तो दोस्तों, अभी ये जो वीडियो आप लोग देखेंगे, तो यह वीडियो इसीलिए बना के डालता हूँ ताकि आप लोग देखें तो आपके अंदर का जो डर है वो धीरे धीरे निकल जाए। आप भी एक पुलिस वाले से सवाल कर सकते हैं, वह आपका जांच कर रहा है, तो सबसे पहले आप भी उसका जांच कीजिए। ये आपका अधिकार है, क्योंकि एक पुलिस वाला आपका ही नौकर है, आपका ही सुरक्षाकर्मी है, तो सबसे पहले आप उसकी जांच कीजिए। तो बाकी आप लोग वीडियो देख के खुद समझ सकते हैं कि एक पुलिस से आप भी जवाब सवाल कर सकते हैं। हाँ, एक काम कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भाई, PNS आवाज़। यह आपका एक चैनल है, इस बात को समझिए, हम आपकी ही एक आवाज़ हैं, आपका ही एक हथियार हैं। हमें मजबूत बनाइए, हमसे जुड़िए। जय हिंद दोस्तों, आगे आप लोग खुद देख लीजिए। जी बताइए, गाड़ी क्यों चेक कर रहे हैं? पुलिस का अधिकार लेंगे आप? पुलिस की लाइबिलिटी को रोकेंगे आप? नहीं, हम लोग सवारी बैठे हैं तो बता रहे गाड़ी क्यों चेक कर रहे हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। आपको जांच का अगर आदेश है तो आप जांच कर सकते हैं। जांच कर सकते, इसीलिए कर रहा हूँ। नहीं तो हम यही जानना चाहते हैं कि चेकिंग में पैदल निकल रहे हैं जी? हाँ, चेकिंग में चार चार सवारी बैठे, इसको चलान हो रहा है, ठीक है? उन्हें चेकिंग का आदेश आखिर कौन दिया है आपको? कौन दिया है आपको आदेश? किसने दिया? क्यों हम जाए बताइए? खड़े रहो, खड़े रहो। आप क्या हैं हमको ये बताइएगा, आप क्या हैं? आप क्या हैं हमको बताएंगे जी? आप कौन हैं बताइए? हम आपके साहब हैं, हम आपके साहब हैं, ठीक है? आप बताइए, आप क्या हैं? हमारे किस लिए लगाए गए हैं, हमको ये बता सकते हैं? पुलिस का अधिकार रोकेंगे आप? अधिकार किस लिए दिया गया है? चलान कर तो गुंडे को चलान कीजिए, मारिए, जो कुछ भी कीजिए। क्यों मार रहा है यहाँ? नहीं, सवारी बैठे, चलान नहीं होगी गाड़ी की? तू नहीं, आपको आदेश किसने दिया है? यह जांच करने का आदेश किसने दिया आपको? दीवान जी, आपको नहीं मालूम है? नहीं, हम नहीं जानते, आप बताइए, आप बताइए किसने आदेश दिया है आपको? आप लोग देखिए, ये हो रहा है, आप लोगों को ये समझ में आता होगा कि गुंडागर्दी या समाप्त होगी तो ऐसे नहीं होगी। आप लोग आवाज उठाइए, इस तरह से पता नहीं कितने के साथ ऐसा हो जाएगा, क्योंकि जानबूझ के कोई भी आदमी गलती नहीं करता है, लेकिन इनको सब जानकारी होते हुए भी यह अपना दबदबा दिखाते हैं। यहाँ केवल सोचिए, ऐसे बहुत से लोग हैं चलते फिरते रास्ते में, भाई कोई जानबूझ के कोई भी गलती नहीं करता, लेकिन अगर ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है? क्यों देखिए, क्यों हटा रहा है, क्यों हटा रहा है बताइए? हमसे बात कीजिए, क्या करेंगे बताइए? क्या करेंगे? फालतू बोले बताइए। नहीं, आपके कहने का मतलब क्या है? नहीं, हम भी क्यों नहीं शोर मचाए? नहीं, पुलिस के क्यों नहीं? नहीं तो कौन सा काम है आपको? हम भी तो यही जाना चाहते हैं कि कौन सा काम है। चेकिंग का आदेश हुआ, चेकिंग कर किया जाए, वही तो हम पूछ रहे हैं कि चेकिंग का आदेश जब दिया गया है तो कौन दिया है आपको? अधिकारियों द्वारा दिया गया। नहीं, फिर वही कौन अधिकारी का नाम बताएंगे? उस अधिकारी का नाम बताइए। आप लोग बस इसी तरह से जुड़ते रहिए और इस चीज को शेयर करते रहिए। ये है चुनाव की स्थिति में सबसे अच्छा। भैया आपका नाम क्या है? ऋषिकेश सिंह। एक मिनट भाई, अरे जब आप सवाल कर सकते हो ना, पूछो आप पूछो। यहाँ सबसे पहले भैया ये पूछिए इनसे कि आपको जांच का आदेश किसने दिया है? नाम बताइए अधिकारी का, कौन है SHO? अरे भाई आप चुपचाप यहाँ पर रहिए, आप चुपचाप यहीं पर रहिए, आप यहीं पर चुपचाप रहिए, पूछिए इनसे, नाम पूछिए। देखिए भाइयों, जब तक आप लोग इस चीज को शेयर नहीं करेंगे, एक कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो इसी तरह से बारी बारी से सबके साथ कुछ न कुछ होता रहेगा। यह एक तरह से
आपका भी प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को समझिए। यह दबदबा दिखाया जाता है, जिससे हमको सुरक्षा मिलनी चाहिए उन्हीं से हमें आज डर है, तो यह डर भगाइए। हम जहाँ पर हैं वहाँ पे सब लोग खड़ा रहिए, इस बात को समझिए, यही जगह है। आज हरौली में तीसरा बार हो चुका है, यही होता चला आ रहा है। अरे देखिए भैया, डरना नहीं चाहिए, डरने वाली कौन बात है, सीधी सी बात है। हाँ ये है कि ये सवाल आप भी पूछ सकते हैं कि इनके पास जांच का आदेश है कि नहीं है। ये है कहते हैं जिनको योगी का बहुत गुण गाना है, तो ये बात भी समझ लो, ये उन्हीं की सरकार में हो रहा है ना कि किसी और सरकार में हो रहा है। ये है योगी जी की सरकार। अच्छा एक मिनट, अपना थोड़ा बिल्ला दिखाएंगे, हटाइएगा। आपका नाम क्या है? नाम दिखाइए, नाम हटाइए हटाइए। अरे हटाइए महाराज, अरे आप भी दिखाइए ना, देखिए किसी का बिल्ला इसमें नहीं दिख रहा है कि कौन क्या है, ये पता नहीं चल पा रहा है, ये होता चला रहा है। तो जब तक आप लोग इस बात को नहीं समझेंगे, ये होता रहेगा, ये हाल है। ये हमारे सुरक्षा कर्मी हैं, ये लोग चलते रास्ते में कुछ भी कर सकते हैं। मतलब क्या है? नहीं, चार ही मीठे या पांच बैठे, मतलब यहाँ क्या है? लखेरा दिख रहे हैं आप, बोले लखेरा। हाँ नहीं, लखेरा है, सब लोग लखेरा है। हाँ, हाथ में लाठी ले लो, जिसको नहीं डराते चलो, गुंडे है सब। अरे सबसे बड़े गुंडे वनगंज है सब। तो भाइयों इस बात को समझिए, अभी भी समय है, हमारा साथ दीजिए। हमारे चैनल PNS आवाज को सब्सक्राइब कीजिए, हमसे जुड़िए, क्योंकि ये चीज जो मीडिया है, ज्यादातर मीडिया की हालत यह है कि जिस तरह से साला किसी फंक्शन में खाना खा के पत्तल को फेंक दिया जाता है और उस पत्तल को कुत्ते चाटते हैं, ये हालत है कुछ मीडिया की। केवल जो रोब ये दिखा रहे हैं, वही रोब एक प्रेस बन के लिखवा के ये दिखा रहे हैं। आपकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, इसी तरह से होता रहेगा। ये मोबाइल आप लोग भी चलाते हैं, इसका इस्तेमाल कीजिए। आखिर हम क्या है? हम भी आप ही की तरह के इंसान हैं, लेकिन किस तरह से अपनी औकात में आ गए, यही इनकी औकात है। जब तक आप लोग एक आवाज उठाएंगे नहीं, तो यही हालत किसी के साथ भी हो सकता है। तो दोस्तों, आप लोगों के बीच अभी यह लाइव वीडियो उत्तर प्रदेश में कुशीनगर जिले में अहिरौली थाने में अहिरौली बाजार कस्बे का दृश्य है। ये यहाँ पर यह पुलिस, यह तीसरी बार हो गया, ऐसा मौका पाते हैं तो छोड़ते नहीं हैं। यह इसलिए क्योंकि कल आपके साथ भी कुछ भी हो सकता है। तो शेयर कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमारी मदद कीजिए। एक एक रुपया जुटा रहा हूँ, पैसा मांग के चुनाव लड़ रहा हूँ विधायक का। आपको कैसा विधायक चाहिए, कैसा प्रत्याशी चाहिए, ये समझना आपके लिए जरूरी है। इनके खिलाफ कोई भी नेता आवाज उठाने वाला नहीं है। आप लोग जुड़िए, क्योंकि आप में जो ताकत है वो ताकत किसी में नहीं है, क्योंकि हर सिस्टम के जड़ हम लोग हैं और कोई नहीं। ये जो पुलिस है, इनकी तनख्वाह भी कहीं और से नहीं, आप लोगों के जेब से जाती है। आप लोग देखिए, ये लोग जा रहे हैं, डरिए मत,
एक आवाज उठाइए, कोई भी पुलिस वाला हो। बस इसी के साथ जय हिंद दोस्तों।